नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 का सेकेंड पार्ट है सेम एक्सरसाइज का। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 8 के फर्स्ट पार्ट में हमने रो को रो से माइनस किया था, लेकिन अगर मैं अब इस क्वेश्चन में रो को रो से माइनस करूंगा तो 1 माइनस ए आएगा, ए माइनस बी नहीं आ रहा है। तो हमने पहले भी बताया था हमें क्या प्रूफ करना होता है ना, वो हमें आइडिया देता है कि हमें ऑपरेशन क्या लगाना है। तो हमने इसमें ये देखा कि हमें कॉलम को कॉलम से माइनस करना है, और कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस करने पे यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी। ए को बी से माइनस करो तो कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस किया तो यहाँ पे ए माइनस बी। ए माइनस बी कब आएगा, जब कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस करेंगे। सेम बी माइनस सी कब आएगा, जब कॉलम टू को कॉलम थ्री से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम वन चेंज टू कॉलम वन माइनस कॉलम टू एंड कॉलम टू चेंज टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है ना। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, देखो ऑटोमेटिकली ये सिंपल लगेगा और आराम से कर लोगे, ठीक है ना। वन माइनस वन जीरो, यहाँ क्या आएगा ए माइनस बी, और यहाँ करने पे आपको क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। अब यहाँ पे वन माइनस वन कितना गया जीरो, यहाँ माइनस करो बी माइनस सी, यहाँ माइनस करने पे क्या आएगा आपको बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ वन सी सी क्यूब। अब यहाँ पे बातचीत पूरी की पूरी ये बनती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लेना फॉर्मूले को, क्योंकि अभी मैं इसे क्लीन कर दूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जीरो है आपको a माइनस बी, तो a माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा आप यहाँ पे लिख दो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमने कॉलम वन पे काम किया, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन कॉलम टू। हियर जीरो, फिर क्या है आपको b माइनस सी, अब बी क्यूब माइनस सी क्यूब सेम फॉर्मूले से रिलेट करो तो यहाँ पे क्या आएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। और कॉलम थ्री हमारा क्या है, वन सी सी क्यूब। अब आप खुद देखो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, ए माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ है, जीरो में भी है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, कॉलम वन से कॉमन क्या निकालना है, ए माइनस बी। सेम कॉलम टू से हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी। तो आप मेंशन कर दो यहाँ पे टेकिंग आउट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले को आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, यहां से हमने क्या कॉमन निकाला, a माइनस बी, तो a माइनस बी, इस वाले से हमने कॉमन निकाला b माइनस सी, तो रेस्ट हमारा क्या बचा, 0 1 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 0 1, और यहाँ बचा बी स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, कॉलम थ्री में 1 सी सी क्यूब, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसे हम एक्सपेंड किसके लॉन्ग करेंगे, R1 के लॉन्ग, क्योंकि अब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसे हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां देखते हैं हमने करना क्या, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये आपको a माइनस बी, ठीक है ना। स्पेस पे काम करना नहीं, हमें 1 पे काम करना है। ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो हमने क्या बचा, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो अब तो आ चुका होगा आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर, फॉर्मूले से माइनस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या आपका ए माइनस बी, दिस वन इज बी माइनस सी, और ये बी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी माइनस बी ए स्क्वायर, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, सेम हियर, ठीक है। अब हमने करना क्या, अगर नेक्स्ट चाहिए सी माइनस ए,
तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप एक साथ कर दो इस वाले पार्ट को, क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ क्या बी सी है, माइनस में ए बी है, तो प्लस में हमने यहाँ क्या लिखा बी सी, इस वाले इससे हम एक, इन दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, बी सी माइनस में क्या ए बी। अब यहां देखो फॉर्मूला बन गया आपको क्या, सी माइनस ए देन सी प्लस ए, इसमें से बी कॉमन निकालो, बी कॉमन निकालते ही क्या बनेगा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए। अब यहां देखो c माइनस ए यहां भी है, c माइनस ए यहां भी है, इन दोनों से c माइनस ए बाहर कंप्लीटली कॉमन निकालो, तो यहां a माइनस बी दिस इज b माइनस सी, और इन दोनों से c माइनस ए कॉमन निकाला आपने, तो यहां पे क्या बचेगा c प्लस ए प्लस बी, यहां क्या बचेगा c प्लस ए प्लस बी, तो इसको लिख लो a प्लस बी प्लस सी। तो आपको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है ना, ओके इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है सेम एक्सरसाइज का, इसमें देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमने इसमें प्रूफ करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड व्हाटएवर गिवन देयर, ओके। तो हमने क्या करना है x माइनस वाई, अब आप मुझे पता है आपकी माइंड डेवलप हो चुकी है कि हमें करना क्या है, x माइनस वाई लाना है, तो x माइनस वाई के लिए हमें करना क्या है, इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, अगर मैं रो वन को रो टू से माइनस करूंगा तो क्या आएगा x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड के लिए हमने करना क्या रो टू को रो थ्री से माइनस करेंगे, तो हमने क्या करना है ऑपरेशन लगाना है आर वन चेंज टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो अगर हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, हमने आर वन पे वर्क किया, अब हमने वर्क कहाँ करना है आर टू पे करना है, और आर टू को हमने किससे माइनस करना है आर थ्री से, तो यहाँ पे कितना आएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, आर थ्री हमारा जैसे को तैसा, ठीक है ना। अब यहां से देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि आप पहले सीख जाओ, बाद में आप डायरेक्ट खुद कर सकते हो अगर आपको आ जाएगा तो, ठीक है ना। ये क्या आपको x माइनस वाई है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई का, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने पे क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए x माइनस वाई, अब यहां से z कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा y माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अगर यहां से z कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा y माइनस में x बचेगा, लेकिन हमें चाहिए x माइनस वाई, तो हमने क्या करना है माइनस z कॉमन निकाल लेना है, माइनस जेड कॉमन निकालने से जो माइनस वाला पार्ट था वो प्लस में एक्स हो जाएगा, जो प्लस का वाई होता है वो माइनस में वाई हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। यहां पे क्या आपको वाई माइनस में जेड, सेम फॉर्मूला यहां लगाया हमने, सेम कंडीशन यहां पर लगाना है हमें, माइनस में एक्स कॉमन निकालना है कि हमें वाई माइनस जेड मिल जाए, ठीक है ना। अब यहां देखो आर वन में क्या कॉमन है, टेकिंग आउट x माइनस वाई एंड आर टू में क्या है y माइनस जेड, y माइनस जेड फ्रॉम आर वन एंड आर टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अगर हमने कॉमन निकाला तो वैल्यू क्या आएगी यहां पे बार में, अब यहां देखो यहां वन एक्स प्लस वाई, वन एक्स प्लस वाई, और यहां क्या बचेगा माइनस में जेड, और यहाँ वन वाई प्लस जेड, वन वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या होगा माइनस में एक्स, देन यहाँ पे जेड जेड स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड मिल चुका है, हमें जेड माइनस एक्स देखना है, ये मिल पा रहा है नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि अगर हमने आर टू को आर वन से माइनस कर दूं, ध्यान से समझो, आप R1 को R2 से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर R1 को R2 से माइनस करोगे तो माइनस का Z प्लस में X आएगा, माइनस का Z नहीं है प्लस का Z है, हालांकि आप माइनस कर सकते हो, अगर माइनस का Z प्लस में X आएगा तो बाद में माइनस कॉमन ले सकते हो, लेकिन हमने देखा डायरेक्ट हमारे को मिल रहा है क्या Z माइनस X। अगर मैं R2 को R1 से माइनस करूं, R2 को R1 से माइनस करूं, देखो क्या हो रहा है R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो ये क्या आपको x माइनस वाई है, ये है y माइनस जेड, हमने काम कहाँ करना है,
हमने काम करना है R2 पे, तो R1 हमारा एज इट इज 1 x plus y minus z, 1 minus 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ y plus z को x plus y से माइनस करो, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, माइनस में R1 करने पे ये दोनों पार्ट नेगेटिव होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, चाहे यहाँ पे कर लो ना आप, ये y plus z है तो यहाँ पे y plus z माइनस में कितना आएगा x plus y, तो x plus y, तो y plus z minus x minus y plus y cancel, क्या बचा z minus x, ठीक है। अब R2 मेरा क्या है, माइनस का x है और ये माइनस R1, R1 कितना माइनस z है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का z, तो z माइनस x, z माइनस x। देखो अगर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप साइड में ना सॉल्व कर लो, ऑपरेशन पे जगह वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आपका यही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताओ, z है, z स्क्वायर है और ये xy है। फिर से हमने देखा कि R2 में हमारा क्या कॉमन है, z माइनस x कॉमन है, तो अपने यहां से क्या लेना है, टेकिंग आउट z माइनस x फ्रॉम R2, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपको x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, यहां से z माइनस x कॉमन निकल कर यहां मल्टीप्लाई हो गया, रेस्ट क्या बचा 1 x प्लस y माइनस z, 0 1 1 z z स्क्वायर एक्स वाई। अब मर्जी आपकी है कि आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसे एक्सपेंड कर दो, या तो कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो या रो 1 के लॉन्ग, सॉरी रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, बात देखी है, या आप ये चाहते हो कि नहीं एक जीरो और फॉर्म कर लो, तो आप क्या करो R2 को R3 से माइनस करो, सॉरी कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस करो, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होने से अब R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू बहुत सिंपल वे में आप उसे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है, जो प्रूफ करना है उसे प्रूफ कर पाओगे, ठीक है ना। तो फर्दर इससे नेक्स्ट आप खुद से करोगे, है ना, इसे एक्सपेंड, अगर आप यहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हो तो फिर से बता रहा हूँ, या तो कॉलम 1 को फॉलो करो या रो 2 को फॉलो करो, आप चाहते हो कि नहीं एक जीरो और चाहिए तो आप कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर लो, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को रेस्ट खुद से कर लो, ठीक है ना, रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, 11 का फर्स्ट पार्ट हमें करना है, 10th क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया कि 10th को दोनों पार्ट सिंपल है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करोगे आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 11th के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब। तो एक बात हमेशा माइंड में रखना कि हमें जब भी प्रूफ जो करना होता है उसे हमें माइंड में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी दी होल क्यूब, तो प्राइम चीज क्या, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो हमने इसमें यह देखा कि अगर मैं रो 1 में ऐड कर दूं रो 2 और रो 3 को, तो ऐड करते ही a माइनस बी प्लस टू बी, तो प्लस का 2b यहाँ ऐड करने पे क्या आएगा, प्लस का b आएगा, प्लस का 2c यहाँ ऐड करने पे प्लस में c आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। सेम यहाँ पे भी आपको क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे भी आपको क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है ना, कॉलम पे लगाने से नहीं हो रहा है, कॉलम पे लगाओगे तो 2 प्लस 2 4a प्लस 5a होगा, 5a माइनस बी माइनस सी, वो हमें चाहिए नहीं था, इसलिए हमने ऑपरेशन कहाँ लगाया, रो 1 पे लगाया, ठीक है ना। तो रो 1 पे लगाने से यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, सेम यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और रो 2 पे कोई वर्क नहीं हुआ एज इट इज, ठीक है ना। हमने जो कॉमन है R1 में कॉमन ले लो आप यहाँ पे, तो टेकिंग आउट तो कॉमन लेने पे कॉमन किया आया a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2b, दिस वन इज 2c, फिर यहाँ b माइनस सी माइनस a, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, हमने a प्लस बी प्लस सी पाने के बाद हम इसे डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर देंगे, हालांकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले हमने कोशिश ये करना होता है कि हम मैक्सिमम टाइम जीरो पाए, ठीक है ना। तो अगर हमें देखा कि अगर मैं इसे कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर दूं, ठीक है ना, या कॉलम 3 को कॉलम 1 से, या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, आर वन को, सॉरी कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस कर दो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस कर दो और कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस कर दो। अगर इससे यहाँ माइनस करने पे जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा आपको,
ठीक है ना। अच्छा, जीरो होने के बाद हमें चेक ये करना होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद फिर हमें उससे क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ऐसा नहीं कि कॉमन आपका वहाँ पे है, कॉमन आपने निकाला नहीं और आपने क्या कर दिया, दो जीरो पा लिया और आपने एक्सपैंड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर कॉमन निकलता है तो हमें कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाना है, कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कॉलम वन चेंज टू कॉलम वन माइनस में कॉलम टू, फिर क्या करना है हमें, कॉलम टू को माइनस किससे करना है, कॉलम थ्री से करना है। तो कॉलम टू चेंज टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। तो हमने कॉलम वन पे काम करना है, इससे पहले हमारा कॉमन क्या था, तो यहाँ वन माइनस वन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। अब केयरफुली यहाँ से देखो, ये क्या है, टू बी है, तो जहाँ पे कॉलम वन है वहाँ पे टू बी है, फिर फॉर्मूले से माइनस, फिर सी टू क्या है हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस सी माइनस ए। सॉल्व करोगे इसे तो ये क्या होगा, टू बी था टू बी रहेगा, माइनस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस ए, तो टू बी माइनस बी, तो बी प्लस सी प्लस ए, मीनिंग देर वाइज यहाँ क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस करने पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, टू सी को टू सी से माइनस करने में क्या, जीरो आएगा। सेम वन को वन से माइनस करने पे कितना आएगा, जीरो। और इससे इससे माइनस करोगे, अभी जिस तरीके से हमने वहाँ ऑपरेशन लगाया था, सेम ऑपरेशन लगाकर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, कॉलम टू को हमने किससे माइनस करना है, कॉलम थ्री से माइनस करना है। अगर अब माइनस करोगे तो देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। माइनस करने में माइनस में टू बी आएगा, तो माइनस का टू बी होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, माइनस का बी। माइनस का टू बी को यहाँ पे करोगे तो क्या, बी माइनस सी माइनस ए माइनस में टू बी, माइनस टू बी प्लस बी माइनस का बी, मीनिंग एक माइनस कॉमन निकालो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है ना। फिर इसे यहाँ माइनस करोगे आप, तो अब यहाँ माइनस करने में क्या आएगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। फिर आपको कॉलम थ्री पे कोई काम नहीं करना था, तो वन टू बी, ठीक है ना, इसमें मिसमाइंड नहीं होना हमें, ठीक है ना। कॉलम टू को कॉलम थ्री से माइनस किया, हमने माइनस कर लिया, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट माइनस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे लिख कर माइनस कर फिर यहाँ पे वैल्यू लिख लो, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें कॉलम वन और कॉलम टू पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो कॉलम वन में भी है और कॉलम टू में भी है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे टेकिंग आउट From C1 and C1 and C2, respectively, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, पहले से यहाँ पे क्या था, A plus B plus C, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा तो बाहर निकल कर मल्टीप्लाई, तो दो बार कॉमन निकलने की वजह से क्या होगा, ये सीधी क्यों हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या बचा आपको, जीरो वन जीरो, और यहाँ पे वैल्यू जीरो माइनस वन, दिस वन इज वन, फिर यहाँ वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब इसे एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करोगे, मर्जी आपकी है, जिसके अलॉन्ग करना कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आर वन में भी दो जीरो है और आपका कॉलम वन भी दो जीरो है। अगर आप इसे आर वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो, आर वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो, आर वन आप इसे सॉल्व करना, वैल्यू वन आएगी, इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ वन माइनस जीरो कितना आएगा, वन, वन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी होल क्यूब। अगर आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपेंड कैसे करते हैं ये आपको आ चुका है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आप इससे इक्वल हो गया, ये तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। आप केयरफुली देखो।